नमस्कार। आप सबने कभी ना कभी जीडीपी के बारे में न्यूज़पेपर में पढ़ा या टीवी पे सुना होगा। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट 8% से कम कर 7.5% कर दी इस फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की। इसके पीछे इन्फ्लेशन और जियोपॉलिटिकल टेंशन रीजन है, लेकिन जीडीपी है क्या और जीडीपी देश के हालात के बारे में क्या बताता और क्या छुपा कर रखता है, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस मतलब टोटल, डोमेस्टिक एक देश की बाउंड्री में, प्रोडक्ट मतलब गुड्स और सर्विसेज जो एक साल में प्रोड्यूस हुए। सिंपल वर्ड्स में जीडीपी टोटल मार्केट वैल्यू है देश के सारे फिनिश गुड्स और सर्विसेज की। मान लें अगर आप किसी रेस्टोरेंट में 500 रुपए का खाना खाते हैं, ये 500 रुपए इंडिया की जीडीपी में जुड़ेंगे और जिस वेटर ने खाना सर्व किया उसकी सैलरी भी, रेस्टोरेंट में रखी टेबल चेयर भी जीडीपी में इंक्लूडेड है। तो एक तरह से हम समझ सकते हैं कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सब जीडीपी का हिस्सा है। और यही फिनिश प्रोडक्ट से मतलब है कि अगर आप मार्केट से शुगर लाएं, इसकी वैल्यू जीडीपी में काउंट होगी क्योंकि ये एक फिनिश प्रोडक्ट है। पर अगर वहीं आप कैफे से टी या कॉफी खरीदते हैं तो सिर्फ टी या कॉफी की वैल्यू जीडीपी में काउंट होगी, ना कि शुगर या किसी रॉ मटेरियल की जो उसे बनाने में लगी है। अब आप सोच रहे होंगे उन प्रोडक्ट्स का क्या जो एक फॉरेन मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में सेल करती है, जैसे कि सैमसंग। आपको क्या लगता है, क्या वो इंडिया की जीडीपी में काउंट होंगी या साउथ कोरिया की? ये डिपेंड करता है वो प्रोडक्ट कहाँ मैन्युफैक्चर हुआ है। अगर प्रोडक्ट इंडिया में बना है इंडियन जीडीपी में काउंट होगा, ना कि साउथ कोरिया। तो इसलिए जीडीपी में बस उस देश की बाउंड्री में प्रोड्यूस हुई फिनिश गुड्स की मार्केट वैल्यू काउंट होती है। इसलिए मेड इन इंडिया जैसी स्कीम्स पे इंडियन गवर्नमेंट का काफी फोकस रहता है। जीडीपी देश की ओवरऑल इकोनॉमिक हेल्थ को मेजर करने का एक तरीका है। अगर हम इंडिया की बात करें तो हमारे देश की जीडीपी 2.9 ट्रिलियन US डॉलर, जो कि इंडियन रुपीस में 236 ट्रिलियन के अराउंड है। जैसे कि आप जानते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। यूएस की जीडीपी 22.9 ट्रिलियन US डॉलर है और इंडिया यूके के बाद वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। इंडिया की जीडीपी सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑफिस कैलकुलेट करता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के कई तरीके हैं, पर चलिए बात करते हैं सबसे कॉमन तरीके की। जीडीपी सम है कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स का। अब इसको एक एक करके डिटेल में समझते हैं। कंजम्पशन मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग, जो आप और मैं पैसे खर्च करते हैं किसी भी गुड्स और सर्विसेज के लिए, जैसे कि कार, कपड़े, खिलौने और सर्विसेज जैसे कि डॉक्टर और लॉयर। अगला इन्वेस्टमेंट, जो बिजनेसेस और कंपनी बिल्डिंग, लैंड और इक्विपमेंट पे खर्च करती है। नए बने घर को खरीदना भी इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट स्पेंडिंग की बात करें तो ये पैसा लोकल, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेंड करते हैं, जैसे कि रोड्स, स्कूल और डिफेंस पर। हर देश की गवर्नमेंट स्पेंडिंग वेरी करती है उसकी पब्लिक गुड्स और सर्विसेज अप्रोच पर। एग्जाम्पल के लिए फ्रांस में गवर्नमेंट स्पेंडिंग जीडीपी का 56% है, वहीं यूके में 41% और इंडिया में 17% है। जीडीपी कैलकुलेशन का लास्ट पार्ट नेट एक्सपोर्ट्स, मतलब टोटल एक्सपोर्ट्स माइनस टोटल इम्पोर्ट्स। वर्ल्ड के सारे देश जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट स्पेंडिंग और नेट एक्सपोर्ट्स के डेटा को कलेक्ट करते हैं। जीडीपी एक यूनिवर्सल मेजरमेंट है जिससे दो देशों की इकोनॉमी कंपेयर कर सकते हैं। आपने जीडीपी से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ रेट के बारे में सुना होगा। इसे क्वार्टरली या एनुअली कैलकुलेट करते हैं। जनरली जब इकोनॉमी हेल्दी हो तो जीडीपी ग्रोथ बढ़ेगा, और अगर इकोनॉमी पुअर शेप में हो तो जीडीपी ग्रोथ कम होगा। जीडीपी ग्रोथ रेट दो क्वार्टर से ज्यादा नेगेटिव रहे तो इसे रिसेशन कहते हैं।
जैसे कि 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस और हाल ही में कोविड पेंडेमिक, जिसमें वर्ल्ड की ज्यादातर इकोनॉमीज रिसेशन में थी। जीडीपी को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, प्रोडक्ट की मार्केट वैल्यू और प्रोडक्ट के नंबर पे। इनमें से एक या दोनों के बढ़ने से जीडीपी बढ़ेगा। प्रोडक्ट्स की मार्केट वैल्यू इन्फ्लेशन की वजह से बढ़ सकती है और इससे हुई जीडीपी ग्रोथ को एक्चुअल ग्रोथ नहीं मान सकते, क्योंकि इकोनॉमी नहीं बढ़ी, बस प्राइसेस बढ़े हैं। करंट प्राइसेस को लेकर कैलकुलेट करी गई जीडीपी को नॉमिनल जीडीपी कहते हैं। रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाता है। इंडिया में 2011-2012 को बेस ईयर लिया है इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट के लिए। रियल जीडीपी एक तरह से जीडीपी एट कॉन्स्टेंट प्राइस और नॉमिनल जीडीपी एट करंट प्राइस है। तो अगली बार जब आप जीडीपी नंबर्स को देखें तो ध्यान रखिए कि वो रियल जीडीपी है या नॉमिनल, क्योंकि इन्फ्लेशन से हुई जीडीपी ग्रोथ एक इल्यूजन है। जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ का अच्छा इंडिकेटर है, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशन और प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आज हाईलाइट करना चाहूंगी। जीडीपी एक एग्रीगेटेड वैल्यू है, एक तरह से एवरेज वैल्यू है पूरे देश के लिए। ये आपको नहीं बताता कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैसे है। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक देश में टॉप 10% लोग बहुत अमीर हैं जो कि पूरे देश की इकोनॉमी कंट्रोल कर रहे हैं, अगर इन 10% लोगों की कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़े तो जीडीपी तेजी से ऊपर बढ़ेगी, चाहे वहीं 90% लोगों के पास पैसे ना हो खर्च करने के लिए। ये इनइक्वालिटी जीडीपी में रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार कोविड लॉकडाउन में इंडियन बिलियनर्स की वेल्थ 35% बढ़ी, जबकि 84% हाउसहोल्ड्स की इनकम कम हुई और करोड़ों लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे चले गए। अगली प्रॉब्लम है कि जीडीपी को मैक्सिमाइज करने का ये मतलब नहीं है कि किसी इंसान की खुशी या हैप्पीनेस भी मैक्सिमाइज हो, और ना ही इसका मतलब है कि एफिशिएंसी और कन्वीनियंस मैक्सिमाइज होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लें आप एक सस्ती एयरलाइन टिकट खरीदते हैं, खुद से ऑनलाइन रिसर्च करके और वेबसाइट पे जाकर आप उस टिकट को खरीद लेते हैं। बड़ा ही एफिशिएंट काम है, आपको खुशी मिलती है क्योंकि आपने एक सस्ती एयरलाइन की टिकट खरीद ली। अब इसका ऑल्टरनेटिव देखते हैं। अगर आप ये टिकट खरीदते हैं ट्रैवल एजेंट को पैसे देकर, तो ट्रैवल एजेंट को अपनी सैलरी मिलती है इससे। वो ट्रैवल एजेंट मान लो एक ट्रैवल वेबसाइट पे रिसर्च करता है पैसे देकर, तो उस ट्रैवल वेबसाइट को भी थोड़े पैसे मिलते हैं इससे। तो इन दोनों चीजों से जीडीपी बढ़ेगी। जितने ज्यादा लोग यहाँ पे बीच में इन्वॉल्व होंगे, जितने ज्यादा उन्हें पैसे मिलेंगे, जीडीपी उतनी ज्यादा बढ़ेगी देश की। लेकिन क्या ये काम एक्चुअली में आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट और खुशी देने वाला काम है? बिल्कुल नहीं। जीडीपी इंडिकेटर कंज्यूमर स्पेंडिंग पे ज्यादा रिलाय करता है, जैसे कि शुगर ड्रिंक्स की ज्यादा कंजम्पशन से जीडीपी तो बढ़ेगी, लेकिन शायद साथ ही ओबेसिटी और डायबिटीज जैसी बीमारियां, जिससे आपको मेडिकल सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी जो कि जीडीपी को बढ़ाएगी। वैसे ही जंगलों को काटकर इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ाई जा सकती है, लेकिन ये एनवायरमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए नेगेटिव होगा। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आज से जीडीपी पे ध्यान देना कम कर दें। जीडीपी एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ को ट्रैक करने के लिए, लेकिन जीडीपी जिन चीजों को छुपाता है उन्हें अनकवर करने के लिए हमें और इंडिकेटर्स को देखना पड़ेगा, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, जो देश में आम लोगों की डेवलपमेंट को जज करे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल पीस इंडेक्स, कितना पीसफुल है एक देश, इनइक्वालिटी इंडेक्स, देश में इनइक्वालिटी को समझने के लिए। इसके अलावा जेन्युइन प्रोग्रेस इंडिकेटर एक अच्छा मेजरमेंट है जो सोशियोलॉजिकल और इकोलॉजिकल फैक्टर्स को भी कंसिडर करता है, जो जीडीपी नहीं करता। ये सब इंडिकेटर्स जीडीपी के साथ साथ हमें देश की ओवरऑल वेलबींग एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को ट्रैक करने में मदद कर सकते हैं, जिससे देश की ओवरऑल ग्रोथ मेजर की जा सके। इस दिशा में इंडिया ने भी अपना फोकस ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स की तरफ बढ़ाया है। किसी भी इकोनॉमी का एंड गोल इक्विटेबल सोसाइटी बनाने का है, जिसमें
इकोनॉमिकल ग्रोथ के साथ साथ सिटीजन्स को क्वालिटी लाइफ मिले। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। प्लीज सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें। धन्यवाद।